हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वर्णर का उपसह संयोजक सिद्धांत। तो देखते हैं क्या होता है वर्णर का उपसह संयोजक सिद्धांत। जो वर्णर नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने उपसह संयोजक यौगिक होते हैं उनकी संरचना, उपसह संयोजक यौगिक होते हैं उनकी संरचना और गुणों की व्याख्या करने के लिए एक थ्योरी प्रस्तुत की, जिसे वर्णर की उपसह संयोजक सिद्धांत कहते हैं। वर्णर ने उपसह संयोजक यौगिकों के गुणों एवं उनकी संरचना को स्पष्ट करने के लिए सह संयोजक सिद्धांत दिया। अब इस थ्योरी के अनुसार इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो उपसह संयोजक यौगिक होते हैं उनमें जो केंद्रीय धातु होती है, क्या होती है, केंद्रीय धातु होती है, वो केंद्रीय धातु दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती है। कौन सी केंद्रीय धातु दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती है, जिन्हें हम प्राथमिक संयोजकता यानी कि प्राइमरी वैलेंसी और द्वितीयक संयोजकता यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। देखिए कि इस थ्योरी के अनुसार उपसह संयोजक यौगिकों में धातु द्वारा दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित की जाती है, जिसे जिनमें पहली है प्राथमिक संयोजकता यानी कि प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी है द्वितीयक संयोजकता यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि कौन सी प्राथमिक संयोजकता होती है और कौन सी द्वितीयक संयोजकता होती है। तो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं प्राथमिक संयोजकता को। प्राथमिक संयोजकता को हम पीवी यानी कि प्राइमरी वैलेंसी भी कहते हैं। जो ये प्राथमिक संयोजकता होती है वो बराबर होती है किसके, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था के, यानी कि धातु की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी यानी कि प्राथमिक संयोजकता कहलाती है वर्णर के अनुसार। दूसरा है कि जो ये प्राइमरी वैलेंसी होती है यानी कि प्राथमिक संयोजकता होती है, वो ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि जो संकुल धातु संकुल होते हैं उनमें जो धातु होती है, धातु आयन होता है, वह कौन सा आवेशित होता है, वह धनावेशित होता है। कौन सा होगा, धनावेशित होगा, ऋणावेशित कभी नहीं होगा। तो वह किससे संतुष्ट होगा, तो वह ऋणायन से संतुष्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। अगला देखते हैं कि संकुल यौगिकों में जो आयन प्राथमिक संयोजकता से जुड़े होते हैं वे आयनित होते हैं। एक बार आप पॉइंट को देख लीजिए, बाद में आप डिटेल से और समझाएंगे एग्जाम्पल थ्रू, अभी आप थ्योरी को देखिए एक बार। संकुल यौगिक में जो आयन प्राथमिक संयोजकता से जुड़े होते हैं वो आयनित होते हैं, इसलिए प्राइमरी वैलेंसी को आयनिक संयोजकता के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है इसका, यौगिक की संरचना में इसको बिंदुकित रेखा डॉट 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 से द्वारा दर्शाया जाता है। अब किस प्रकार दर्शाया जाता है, जब हम इसकी किसी एक यौगिक की स्ट्रक्चर बनाएंगे तब उसे देखेंगे अभी थोड़ी देर में। दूसरी है इसकी द्वितीयक संयोजकता यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी। तो अब सेकेंडरी वैलेंसी की पॉइंट देखते हैं कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो धातु की समन्वय संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, धातु की समन्वय संख्या के बराबर होती है। और सेकेंडरी वैलेंसी उदासीन किसके द्वारा, जो द्वितीयक संयोजकता है वो है उदासीन, ऋणात्मक और कभी कभी धनात्मक लिगेंडों के द्वारा संतुष्ट होती है। क्या बोला हमने कि सेकेंडरी वैलेंसी या तो उदासीन या ऋणात्मक लिगेंड द्वारा संतुष्ट होगी, लेकिन कभी कभी ये धनात्मक लिगेंड द्वारा भी संतुष्ट हो सकती है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है इसमें, कि संकुल यौगिकों में जो लिगेंड द्वितीयक संयोजकता द्वारा जुड़े होते हैं वो आयनित नहीं होते, यानी कि संकुल यौगिक में द्वितीयक संयोजकता से जो लिगेंड जुड़े होते हैं वो आयनित नहीं होते, इसलिए इसे अनआयनिक संयोजकता के नाम से भी जाना जाता है। तो जो प्राथमिक संयोजकता प्राइमरी वैलेंसी है उसे हम आयनिक संयोजकता बोलते हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकता सेकेंडरी वैलेंसी है उसे हम अनआयनिक संयोजकता बोलते हैं। अब जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वह यौगिक की संरचना, सेकेंडरी वैलेंसी को यौगिक की संरचना में ठोस लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और जो सेकेंडरी, तो देखते हैं प्राथमिक संयोजकता यानी कि प्राइमरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वह धातु की ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होती है और प्राइमरी वैलेंसी ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। किसके द्वारा संतुष्ट होती है, ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है। संकुल यौगिक में जो आयन प्राथमिक संयोजकता से जुड़े होते हैं वो आयनित होते हैं, इसलिए प्राइमरी वैलेंसी को आयनिक संयोजकता के नाम से जाना जाता है। आगे लिखा हुआ है इसमें, यौगिक की संरचना में इसको बिंदुकित रेखा या डॉट डॉट द्वारा दर्शाया जाता है। एक बार हम इसकी थ्योरी
छोटे कर पार्ट को देख लेते हैं, बाद में इसे हम एग्जांपल द्वारा डिटेल से समझेंगे। तो जल्द जल्दी में एक बार इसको देख लेते हैं। दूसरी है द्वितीयक संयोजकता यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी। इसमें क्या लिखा हुआ है, सेकेंडरी वैलेंसी धातु की समन्वय संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, धातु की समन्वय संख्या के बराबर होती है। सेकेंडरी वैलेंसी उदासीन या ऋणात्मक कभी कभी धनात्मक लिगेंडों द्वारा क्या होती है, संतुष्ट होती है। संकुल यौगिक में जो लिगेंड द्वितीयक संयोजकता द्वारा जुड़े होते हैं वो आयनित नहीं होते, इसलिए इसको अनआयनिक संयोजकता के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंडरी वैलेंसी को यौगिक की संरचना में ठोस लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और जो ये सेकेंडरी वैलेंसी होती है यही यौगिक की ज्यामिति को निर्धारित करती है, यही बताती है कि यौगिक की ज्यामिति किस प्रकार की है। यदि सेकेंडरी वैलेंसी 6 है तो यौगिक कैसा होगा, अष्टफलकीय ज्यामिति का होगा। यदि सेकेंडरी वैलेंसी 4 है तो यौगिक होगा चतुष्फलकीय या वर्ग समतलीय ज्यामिति का। आगे कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही ऋणायन प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को संतुष्ट करता है, तो इन ऋणायनों को यौगिक की संरचना में दो रेखाओं द्वारा यानी कि एक रेखा बिंदुकित होगी और दूसरी रेखा ठोस लाइन होगी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वर्नर ने सेकेंडरी वैलेंसी और वह प्राइमरी वैलेंसी में विभेद करने हेतु वर्ग कोष्टक का उपयोग किया था, और इस वर्ग कोष्टक के अंतर्गत उन्होंने धातु एवं सेकेंडरी वैलेंसी रखे, और इसका कोई भाग आयनित नहीं होता इसलिए इसे समन्वय मंडल भी कहते हैं, तथा वर्ग कोष्टक के बाहर प्राइमरी वैलेंसी लिखते हैं जो कि आयनित होती है, इसे आयनन मंडल कहते हैं। तो इस प्रकार ये इसकी थ्योरी थी। अब हम इसको एग्जांपल के द्वारा एक एक पॉइंट को समझेंगे डिटेल से, आपके पूरा समझ में आ जाएगा किस प्रकार से थी वर्नर थ्योरी। ये आपको नोट्स में लिखना है, एक बार लिख के पढ़ना है, फिर आप देखो आपको बहुत आनंद आएगा समझने में। तो अब हम देखते हैं कि ये एक यौगिक दिया हुआ है हमें, तो इसमें हम कोबाल्ट की क्या निकालते हैं, सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। यौगिक क्या है, CO Cl3 6 NH3, ये यौगिक है। अब हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे, X+3 -1+6 0 = 0, क्योंकि एक उदासीन है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखेंगे, X -3 + 0 = 0, X -3 = 0, X = +3 आ गया, यानी कि कोबाल्ट यहाँ पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। और हमने क्या कहा था कि धातु की प्राइमरी वैलेंसी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होती है, तो इस यौगिक में इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, इसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी +3। कितनी होगी, 3 होगी। क्यों होगी, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी धातु के ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होती है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं हम कि यह प्राइमरी वैलेंसी ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो किसके द्वारा संतुष्ट हो रही है। यहाँ पर इसके पास कितना चार्ज है, एक मिनट हम दोबारा लिखते हैं इसको, CO Cl3 6 NH3। हमें पता है कि इसका चार्ज कितना है, +3। प्लस में यदि अब हम देखना होगा कि कौन इसे संतुष्ट कर रहा है, कौन इसे बराबर कर रहा है, तो यदि हम Cl को X लिख देते हैं 3X, और इसके लिए क्या आएगा, 0 आता है, तो 0 हो जाए, क्या हो जाएगा, 3 + 3X = 0, तो 3X = 3 और X = 1 माइनस का, तो माइनस का 1 आ जाएगा X = यानी कि ये क्लोरीन है, क्लोरीन के 3 परमाणु हैं या आयन हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो संतुष्ट कर रहे हैं इसकी प्राइमरी वैलेंसी को, यानी कि इस पर जो प्लस तीन चार्ज है किस अवस्था में उपस्थित है, यह +3 अवस्था में उपस्थित है। तो इस +3 अवस्था को संतुष्ट कर रहा है कौन, क्लोरीन, क्लोरीन के 3 आयन इसे संतुष्ट कर रहे हैं, यानी कि इसको इस प्रसिद्ध धनावे से उसको हटा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी की संतुष्टि कौन करता है,
ऋणायन करेगा और कौन सा करेगा? क्लोरीन वाला करेगा। अब अगला देखते हैं हम कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी। इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी धातु की समन्वय संख्या के बराबर होती है और कोबाल्ट की प्लस तीन ऑक्सीकरण अवस्था के लिए समन्वय संख्या 6 होती है। हम ये सीख चुके हैं पहले ही। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 6 होगी। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 हो जाएगी। और हमने क्या देखा कि सेकेंडरी वैलेंसी उदासीन या ऋणात्मक, कभी कभी धनात्मक लिगेंड द्वारा संतुष्ट होती है। तो यहाँ पर इस क्लोरीन ने तो किसको संतुष्ट कर दिया? प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट कर दिया। तो बची क्या? सेकेंडरी वैलेंसी की संतुष्टि। अब इसको संतुष्ट कौन करेगा? तो इसको संतुष्ट करेगा अमोनिया। क्या कर देगा? अमोनिया। तो ये अमोनिया ने संतुष्ट कर दी क्या? सेकेंडरी वैलेंसी। अब आगे देखते हैं कि इसकी यहां पर, अब हम इसका फॉर्म सूत्र बनाते हैं। देखो जी, वंडर के अनुसार इस लाइन को देखिए आप लोग एक बार, इसको समझते हैं हम। अब आपके हमने ये लाइन समझ में आ गई होगी कि प्राइमरी वैलेंसी धातु की ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होती है। प्राइमरी वैलेंसी हमने इसलिए 3 लिख दिया। दूसरी लाइन है कि प्राइमरी वैलेंसी ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है। तो ये हमने इस प्रकार देख लिया। सीएलसी आपकी समझ में आ गई होगी। इन दो लाइनों को अभी आप छोड़िए। अब आगे देखते हैं हम कि इसमें क्या दिया हुआ है। सेकेंडरी वैलेंसी धातु की समन्वय संख्या के बराबर होती है, जो कि 6 के बराबर है, वो हमने ऐसे समझ लिया। इसी प्रकार सेकेंडरी वैलेंसी उदासीन या ऋणात्मक, तो यहाँ पर ये उदासीन लिगेंड है, इसके द्वारा संतुष्ट हो रही है। ये लाइन भी आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं इस लाइन को। वर्नर ने सेकेंडरी वैलेंसी में प्राइमरी वैलेंसी में विभेद करने हेतु वर्ग कोष्टक का उपयोग किया। यदि हम इसका सूत्र लिखना चाहें या हम कहें इसे हम वर्ग कोष्टक में बंद करना चाहें, जिस प्रकार से हम उपसह संयोजकों को प्रदर्शित करते हैं उस प्रकार से इसे प्रदर्शित करना चाहें, तो वर्नर ने क्या बताया कि सेकेंडरी वैलेंसी में प्राइमरी वैलेंसी में विभेद करने हेतु वर्ग कोष्टक का उपयोग किया इन्होंने। ये वर्ग कोष्टक है, इसका उपयोग किया। अब किस प्रकार से किया देखते हैं। इन्होंने क्या किया कि वर्ग कोष्टक के अंतर्गत धातु व सेकेंडरी वैलेंसी रखे। अब यहाँ पर धातु क्या है? धातु है कोबाल्ट, कोबाल्ट धातु है। अब इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी संतुष्ट कौन कर रहा है? अमोनिया कर रहा है। कितने अमोनिया कर रहे हैं? 6 कर रहे हैं। तो हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि वर्ग कोष्टक के अंतर्गत धातु एवं सेकेंडरी वैलेंस रखते हैं और इसका कोई भाग आयनित नहीं होता। इस लाइन को भी हम समझेंगे आयनित किस प्रकार नहीं होता। आगे देखते हैं, इसे हम समन्वय मंडल कहते हैं। तो ये पूरा के पूरा है गुरु कोष्टक के वर्ग कोष्टक के अंदर बंद है, इसे हम समन्वय मंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे समन्वय मंडल। अब आगे क्या कहा गया है? तथा वर्ग कोष्टक के बाहर प्राइमरी वैलेंस रखते हैं, तो प्राइमरी वैलेंस कौन संतुष्ट कर रहा है? क्लोरीन संतुष्ट कर रहा है। तो हम क्लोरीन को बाहर लिख देंगे। और इसे हमने क्या कहा है? क्योंकि ये आयनित होता है इसलिए इसे हमने आयनन मंडल कह दिया। तो इसे क्या कहेंगे हम? आयनन मंडल। क्या कहेंगे इसे हम? इसे हम कहेंगे आयनन मंडल। अब आगे देखते हैं कि यदि हम इसका आयनन करवाएं, क्या करवाएं? यदि हम इसका आयनन करवाएं, यदि हम इस कंपाउंड का आयनन करवाएं, तो हमें आयनन पर कितने आयन प्राप्त होंगे देखते हैं। इस चीज को क्या लिखा हुआ है? सेकेंडरी वैलेंसी, जिसे हमने कहाँ पर लिखा है? समन्वय मंडल के अंदर लिखा है। इसका कोई भाग आयनित नहीं होता, यानी कि ये अपने आप में एक आयन होती है। तो हम इसको, इसका आयनन नहीं होगा समन्वय मंडल का, तो हम इसे ऐसे कैसे लिख देंगे कि इसे एक आयन हमें ये मिलने वाला है। कितना चार्ज आएगा इस पर? प्लस 3 चार्ज आएगा। तो ये कौन सा हो गया? समन्वय मंडल हो गया और इसका एक आयन मिलेगा। दूसरा देखते हैं कि इसका जो आयनन मंडल होता है वर्ग कोष्टक के बाहर लिखते हैं, प्राइमरी वैलेंसी होती है, उसका क्या होता है? उसका आयनन होता है। तो इसके आयनन से हमें 3 क्लोरीन आयन मिल जाएंगे।
तो ये लाइन अब समझिए, यहाँ पर आप इस लाइन को, संकुल यौगिक में जो आयन प्राथमिक संयोजकता से जुड़े होते हैं वो आयनित होते हैं। प्राथमिक संयोजकता से ये आयन जुड़े हुए हैं, ये क्या हो रहे हैं, आयनित होते हैं, इसलिए हम प्राइमरी वैलेंसी को आयनिक संयोजकता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, आयनिक संयोजकता के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखते हैं कि संकुल यौगिक में जो लिगेंड द्वितीयक संयोजकता द्वारा जुड़े होते हैं वो आयनित नहीं होते, इसलिए इसे अनआयनिक संयोजकता कहते हैं। ये आयनित नहीं हुआ, ये द्वितीयक संयोजकता किससे जुड़ा हुआ है, अमोनिया आयनित नहीं हुआ है, तो अमोनिया कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ है और एक ही आयन बन रहा है इससे, ये आयनित नहीं होता, इसलिए हम इसको अनआयनिक संयोजकता भी कहते हैं। अब इससे हमें, इसके आयनन से कुल कितने आयन प्राप्त हुए, तो इसके आयनन से हमें कुल 4 आयन प्राप्त हुए। कौन कौन से प्राप्त हुए, एक तो हुआ संकुल आयन और 3 हुए क्लोराइड आयन। तो इस प्रकार से हमें ये आयनन से प्राप्त होगा, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, जिसे कि हम जन समझाते हैं, दर्शाते हैं। संकुल यौगिक को दर्शाने का फॉर्मूला। अब ये सारी चीज़ आपकी समझ में आ जानी चाहिए डिटेल से। अब ये लाइन हमने कर ली है, तो हम इस लाइन को यहाँ से हटा रहे हैं क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं बची है, इसलिए अब आगे देखते हैं। हम आगे क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो सेकेंडरी वैलेंसी वो कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, यानी कि समन्वय संख्या कितनी है, 6 है। और 6 समन्वय संख्या के लिए यौगिक कैसा होगा, यौगिक अष्टपलकीय ज्यामिति का होगा। तो इसकी ज्यामिति कैसी होगी, ज्यामिति अष्टपलकीय होती है, समन्वय संख्या 6 है, ज्यामिति अष्टपलकीय। अब हम इसकी ज्यामिति बनाते हैं, किस प्रकार की होती है। ये कोबाल्ट है, केंद्रीय धातु आयन है, हमने क्या कहा है कि द्वितीयक संयोजकता को यौगिक की संरचना में ठोस लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। द्वितीयक संयोजकता को कौन संतुष्ट कर रहा है, अमोनिया संतुष्ट कर रहा है, तो हम इसे ठोस लाइन द्वारा दर्शाएंगे। और ये ही द्वितीयक संयोजकता वाले क्या बनाएंगे, इसकी ज्यामिति बनाएंगे। इस प्रकार से बन गया, ये 4 हो गए, 5 हो गए और ये 6 हो गए। तो इस प्रकार से हमने इसकी द्वितीयक संयोजकता को ठोस लाइन द्वारा दर्शा दिया इसकी ज्यामिति में, और इनकी निश्चित दिशा होती है, इसीलिए हम द्वितीयक संयोजकता को दिशीय, कैसी, दिशात्मक संयोजकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आप लिख सकते हो इसे हम दिशात्मक संयोजकता भी कहते हैं। अब बात आती है प्राइमरी वैलेंसी को, तो यहाँ पर लिखा हुआ है यौगिक की संरचना में प्राइमरी वैलेंसी को बिंदु की रेखा से दर्शाया जाता है। मान लीजिए हमने यहाँ पर दर्शा दिया, ये एक सीएल जोड़ दिया, ये एक सीएल जोड़ दिया, ये एक सीएल जोड़ दिया, तो ये कैसी हो गई, ये एक बिंदु की संरचना हो गई, बिंदु की आकृति हो जाती है, बिंदु के रूप से दर्शा दिया जाता है इनको। तो ये हो गई हमारी वर्नर आकृति। वर्नर के अनुसार इस यौगिक की, इस कंपाउंड की जो आकृति होगी वो अष्टपलकी होगी और कुछ इस प्रकार की होगी, जिसमें सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि अमोनिया को ठोस लाइन द्वारा दर्शाया गया है और प्राइमरी वैलेंसी यानी कि क्लोरीन को डॉट डॉट लाइन द्वारा दर्शाया गया है। इनके स्थान निश्चित हैं, जबकि क्लोरीन का स्थान निश्चित नहीं है, इसे आप यहाँ पर दर्शा सकते थे, इन दोनों को यहाँ पर कहीं पर भी दर्शा सकते हैं, इसलिए हम इसे अदिशात्मक, किसी अदिशात्मक संयोजकता भी
कहते हैं। और इसको क्या कहा हमने, दिशात्मक संयोजकता कहा। अब आपके ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमने इसको व्यवस्थित किया है, किस प्रकार से इसको समझा है। अब आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसको समझने के लिए। इसका काम हो गया है तो इनको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब ये आपके सारे सारे याद होने चाहिए किसको, वर्नर थ्योरी को समझाने के लिए। एक बात और इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है कि वर्नर ने जो अपने प्रयोग किए थे वो किसके लिए थे, कोबाल्ट पीटी व पीडी के लिए किए थे और अमोनिया वाले लिगेंडों के लिए किए थे, उदासीन लिगेंडों के लिए किए थे। बाकी नियमों पर हम आगे देखेंगे तो कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये थ्योरी पूर्ण रूप से थ्योरी नहीं थी। क्या ये पूर्ण प्रभावी थ्योरी नहीं थी, आगे इसको मॉडिफाई करना पड़ा था। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि सर इस कंपाउंड को तो हम इसे समझा नहीं पा रहे। ज़रूरी नहीं कि हम सभी कंपाउंडों को इसको समझा पाएँ, जो समझा रहे हैं वो ज़्यादातर अमोनिया के ही लिगेंड होते हैं उनमें। अब अगला एग्जांपल देखते हैं हम। अगला एग्जांपल है CO Cl3 5 NH3। अब हमें इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, तो इसके लिए जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो क्या होगी इसके लिए, तो इसके लिए भी हमें इसका क्या निकालना होगा, ऑक्सीकरण नंबर निकालना होगा। एक्स प्लस में -3 डायरेक्ट लिख दिया, -3 कर दिया हमने, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस 5 0 = 0। तो एक्स बराबर +3, यानी कि यहाँ पर भी कोबाल्ट +3 अवस्था में है, तो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, प्राइमरी वैलेंसी 3 होगी। अब प्राइमरी वैलेंसी को संतुष्ट कौन करेगा वो अभी देखेंगे, रुककर। अब देखते हैं हम सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी इसके लिए, कोबाल्ट +3 ऑक्सीकरण अवस्था में, इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगी इसके लिए। अब सेकेंडरी वैलेंसी किससे संतुष्ट होगी, जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो संतुष्ट होगी किसके द्वारा, तो सेकेंडरी वैलेंसी संतुष्ट होती है उदासीन लिगेंड के द्वारा। और यहाँ पर उदासीन लिगेंड कितने हैं, यहाँ पर उदासीन लिगेंड हैं 5, और चाहिए कितने, 6। जो प्राइमरी वैलेंसी है वो किससे संतुष्ट हो रही है, 3 क्लोराइड आयनों से संतुष्ट हो रही है, माइनस में 4 लगा सकते हैं इस पर हम, तो इनके द्वारा ये संतुष्ट हो रही है प्राइमरी वैलेंसी। अब जो सेकेंडरी वैलेंसी है संतुष्ट हो गई 5 के द्वारा, अब एक की कमी रह जाती है, तो जो प्राइमरी वैलेंसी को संतुष्ट कर रहा है वहाँ से हम एक को ले सकते हैं। तो एक यहाँ पर हमने ले लिया Cl क्लोराइड आयन, तो ये भी इसको संतुष्ट करेगा। अब यदि हम इसका सूत्र लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसका हम सूत्र लिखेंगे कोबाल्ट। अब इसकी द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट कौन कौन कर रहे हैं, द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट कौन कौन कर रहे हैं, इसकी द्वितीयक संयोजकता को, चलो इसको 3 लिखते हैं अब जो कन्फ्यूज ना हो इसलिए, इसकी द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट कर रहे हैं अमोनिया के 5 लिगेंड और 1 क्लोराइड लिगेंड। इसे हम वर्क कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे क्योंकि ये सेकेंडरी वैलेंसी है। इसके बाद में जो प्राइमरी वैलेंसी है, हम हमारे पास 2 Cl2 बचे हैं, तो हम यहाँ पर 2 Cl2 लिख देंगे और यहाँ पर अब हम 2 लिखेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये Cl है, इस Cl ने दोनों जगह काम किया है, सेकेंडरी वैलेंसी को भी संतुष्ट किया है और प्राइमरी वैलेंसी को भी संतुष्ट किया है। क्यों किया है, एक बार फिर से देखिए, यदि हम कोबाल्ट का कितना होता है +3, इसके लिए कितना होगा 0, इसके लिए कितना होगा -1, यानी कि यहाँ पर जो 3 आया है जिससे किसकी वैल्यू 0 हो, वो किस किस से आया है, वो इससे भी आया है, इससे भी आया है, यानी कि इस पर जो +3 चार्ज था उसको संतुष्ट किसने किया, इसने भी किया और इसने भी किया।
तो यहाँ पर जो ये क्लोरीन आयन है, क्लोराइड आयन है, वो क्या कर रहा है, वो दोनों संयोजकता को संतुष्ट कर रहा है। तो अब ये लाइन काम में आ गई। कभी कभी एक ही ऋणायन प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को संतुष्ट करता है, तो इन ऋणायनों के लिए यौगिक की संरचना में दो रेखाओं, एक डॉट रेखा और दूसरी ठोस रेखा का उपयोग किया जाता है। तो अब हम बनाते हैं इसकी संरचना, देखते हैं किस प्रकार से बनती है। सूत्र हम लिख देंगे इसका वही NH3 5 Cl Cl2। ज्यामिति इसकी वही अष्टफलकी होगी। कैसी ज्यामिति होगी? अष्टफलकी ज्यामिति होगी। इसके द्वारा आयन कितने दिए जाएंगे आयनन पर? आयनन पर आयन कैसे देखेंगे कि इसके जो गुरु कोष्टक है या वर्ग कोष्टक है उसके अंदर समन्वय संख्या, समन्वय मंडल है, तो वो तो आयनित होगा नहीं, एक आयन देगा, इसका तो एक आयन हो जाएगा, और जो आयनन मंडल है वो दो आयन देगा, तो यानी कि इससे कुल तीन आयन प्राप्त होंगे हमें। ज्यामिति कैसी होगी? अष्टफलकीय ज्यामिति होगी। अब यदि हम इसकी ज्यामिति बनाना चाहें तो किस प्रकार से बनेगी? कोबाल्ट NH3 कितने NH3 हो गए? NH3 हो गए हमारे पास में चार, एक ये पांच NH3, और जो छठा है वो क्या आएगा? क्लोरीन आयन आएगा, और इसे हम डबल डैश रेखा से दर्शाएंगे। क्यों दर्शाएंगे? क्योंकि ये दोनों को संतुष्ट कर रहा है, पीवी और एसवी को, तो इसलिए हम इसी प्रकार रेखा से दर्शा देंगे जैसे कि हमने यहाँ पर दर्शाया है। अब क्या बचे हमारे पास में? एक Cl और दूसरा Cl। ये Cl2 आयन जो आयनन मंडल वाले, प्राइमरी वैलेंसी वाले, इनको हमने दर्शा दिया इसके द्वारा। तो ये इसकी संरचना हो गई वर्नर संरचना। अब देखते हैं अगला CO Cl3, और यहाँ पर 4 NH3 हैं। अब देखते हैं वही बात है, प्राइमरी वैलेंसी फिर से आपके लिए वही आने वाली है तीन, संतुष्ट किसके द्वारा होगी? ये संतुष्ट होगी वही क्लोरीन आयन के द्वारा। इसके बाद इसकी SV कितनी होगी? SV6 ही होगी। किसके द्वारा संतुष्ट होगी SV? 4 NH3 2 Cl आयन। इसके अलावा और क्या देखते हैं हम? आयनन पर आयनों की संख्या भी देखेंगे। और ज्यामिति इसकी अष्टफलकीय होगी क्योंकि समन्वय संख्या 6 है। अब यदि हम इसका सूत्र लिखना चाहें तो किस प्रकार लिखेंगे? वही है, प्राइमरी वैलेंसी को वर्ग कोष्टक के अंदर, सॉरी सेकेंडरी वैलेंसी को वर्ग कोष्टक के अंतर्गत कितनी है? NH3 के 4, Cl2 के 2, और बाहर रह गया Cl2 का 1। अब यदि हम इसका आयनन करवाएं तो क्या होगा? इसका आयनन करवाएं हम तो क्या होगा? ये एक आयन तो संकुल वाला आएगा, एक आयन ये आ जाएगा, तो दो आयन मिलेंगे, तो आयनन पर दो आयन मिलेंगे। यदि हम इसकी संरचना बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार की होगी। क्योंकि ये दोनों दोनों किससे जुड़े हुए हैं? दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में।
एक और बच गया हमारा, उसे हम ऐसे दर्शा देंगे। अब एक और देखते हैं कि एग्जांपल लास्ट इसका, वो है CO Cl3 3 NH3 अणु। अब यदि इसको देखें तो हम इसको देखते हैं, इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो भी तीन ही होगी, आप निकाल कर देख लेना। संतुष्ट किसके द्वारा होगी? संतुष्ट Cl आयन के द्वारा होगी, लेकिन ये दोनों जगह काम करेंगे। Sv कितनी होगी? 6 होगी। Sv संतुष्ट किसके द्वारा होगी? Sv संतुष्ट किसके द्वारा होगी? 3 NH3 और 3 क्लोरीन आयन के द्वारा संतुष्ट होगी। ये आयनन पर आयन कितने मिलेंगे? और ज्यामिति अष्टपलकीय, अष्टपलकीय ज्यामिति होगी। संरचना बनाएंगे, सूत्र बनाएंगे इसका, कितने हैं? 3 हैं। अब इस पर जो आयन आयन आएंगे वो कितने आएंगे? एक ही संकुल योगिक के अंदर बाहर को संतुष्टि प्राइमरी संतुष्टि हो ही नहीं रही है, तो आयन कितने आएंगे? आयन आएंगे 0, क्योंकि एक उदासीन संकुल है। और प्राइमरी वैलेंसी संतुष्ट किसके द्वारा हुई है? ये प्राइमरी वैलेंसी को संतुष्ट कर रहे हैं, सेकेंडरी को संतुष्ट कर रहे हैं, तो इनको हम यहाँ पर लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर हमने क्या लिखा था कि ये प्राइमरी वैलेंसी संतुष्ट कर दोनों संतुष्ट कर रहा है, इसी प्रकार ये दोनों दोनों को संतुष्ट कर रहे हैं, और ये तीनों इन दोनों को संतुष्ट कर रहे हैं। यदि हम इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार की होगी। Cl और Cl इस प्रकार से हमने इसकी सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी दोनों को दर्शा दिया है। तो ये हमारी संरचना हो गई। अब इसके बारे में हम और भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।